लाम करा दो, लाम करा। आ रहे हो? इकरा बाबू। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी मित्र मंडल की तरफ से जो है तो बोली ग्रामीण को जो है तो ट्रैक से वाटअप किए गए, क्या कहेंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी
17 सितंबर से 2 अक्टूबर राष्ट्र नेता थे राष्ट्रपिता ये पखवाड़ा मनाने जा रही है सेवा उपक्रम में। उसी के दरमियान हमारे व्यापारी आघाड़ी के महाराष्ट्र के सह संयोजक मुकेश जी जैन इन्होंने मराठवाड़े में होने वाली जो कंपटीशन है पुलिस दल के अंदर की, उस पुलिस दल के कंपटीशन में संभाजीनगर शहर के जो पुलिस दल के सभी मेरे भाई है वो जो इस स्पर्धा में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना सहभाग ले रहे हैं, उन्हीं सभी को उनका हौसला बढ़ाने के वास्ते उनको एक जैकेट और ट्रैक सूट देने का काम इन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पंतप्रधान मोदी जी के और आप केंद्रीय मंत्री है माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और सादगी से बीजेपी पार्टी वाले जो है तो सादगी से जन्मदिन मना रहे, आप क्या कहेंगे और आपकी तरफ से क्या शुभेच्छा देंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्या निमित्ताने संपूर्ण संभाजीनगर शहरामध्ये विविध कार्यक्रम घेतले आहेत। त्यातला महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे आज 3 ठिकाणी रक्तदान शिबिर आहे, 2 दिवसांनी स्वच्छता अभियान आहे, वृक्षारोपण आहे, हेल्थ आरोग्य शिबिर आहे, त्याचबरोबर 1-18 तारखेला सकाळी रन फॉर युनिटी सुद्धा आम्ही कार्यक्रम घेतो आहे, त्यामध्ये साधारण 20,000 लोक धावणार आहेत। माननीय मोदी साहेबांना उदंड दीर्घायुष्य लाभो असे आम्ही सर्वांच्या वतीने ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांच्या हातून या भारत देशाची सेवा करो आणि भारत एक जगातील सर्वात मोठा एक विश्वगुरु बनू अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। परत एकदा आम्ही सर्वांच्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन पण आहे आज, तो काय तुम्ही वीर सैनिकांना काय? आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिवस आहे, आजादी का अमृत महोत्सव जसा आम्ही मागे 1 वर्षापासून साजरा करत होतो तसा आज पहिला दिवस आहे मराठवाड्याचा आजादीचा, म्हणून वर्षभर विविध कार्यक्रम केले जातील। त्या निमित्ताने ज्या स्वतंत्र सेनानी आपल्या जीवाची आहुती दिली, आपले प्राण गमावले, त्याचबरोबर ज्यांनी जेलमध्ये गेले, कष्ट भोगले, आंदोलन केले, त्यांचं मी मनापासून अभिवादन करतो त्यांना आणि त्यांचं अभिनंदन करतो आणि माझ्या वतीनं त्यांचे पाल्ले असतील सर्वांना माझ्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा देतो। या निमित्ताने एवढंच एक निश्चित करू की मराठवाडा सुजलम सफलम कसा होईल, आपण सर्वजण एकत्र येऊ मराठवाड्याच्या विकासासाठी प्रयत्न करू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।